इंडिया टुडे ग्रुप ने हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर देश का मिजाज जानने के लिए सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सी वोटर के सर्वे में बताया गया है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिल सकती है और क्या कुछ वोट शेयर रह सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस को मात्र एक सीट मिल सकती है, ऐसे सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। और अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 53.9% वोट शेयर मिल सकते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 38.2% और साथ ही अन्य को 7.9% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को मिल रही बंपर बढ़त को लेकर अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का रिएक्शन भी सामने आ गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य नेताओं ने मूड ऑफ द नेशन के सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, गांव गरीब की तरक्की का कल्याण का काम किया है, और इसलिए आम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। 58% वोट सीट बता रहे हैं देश में सी वोटर आज तक। देखिए, मैंने कहा कि 400 से अधिक सीटें पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। वोट प्रतिशत में भारी इजाफा इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है और निश्चित रूप से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तक सी वोटर के सर्वे को कितना ट्रस्ट से देखते हैं? देखिए, जनता का एक रुझान उन्होंने अपने सर्वे में बताया है, पर हम जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जनता के बीच जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। प्रदेश में 300 देश में पूरे 304 सीटों का अनुमान है। मुझे लगता है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। देखिए, अभी आपको 10 दिखाई दे रही हैं, जब तक चुनाव आएगा तब 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। आपके जो पुराने सर्वे थे उसमें छत्तीसगढ़ में तो आप बीजेपी को बता ही नहीं रहे थे जी। पर चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ में जीत कर आई, 46% वोट लेकर आई, तो आप ये मानिए कि आने वाला जो समय है वो 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। पूरी 11 सीटें माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी की जनहितैषी योजनाओं को समर्पित करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। आपको लगता है कि पिछले बार से ये जो टैली है वो ज्यादा सुधर नहीं पाया है आज तक के सर्वे के हिसाब से? पिछले बार 9 सीटें थी, इस बार 10 सीटें हैं, एक सीट पर भी कांग्रेस को जा रही है। विधानसभा चुनाव के पूर्व भी यही आकलन था मीडिया का और वो आकलन जनता ने नकार दिया और जनता पुनः एक बार भगवान श्री राम के आगमन पर अपने भांचा राम को 11 सीटें समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जनहितैषी योजनाओं को गति देने के लिए पुनः समर्पित करेगी। सर्वे के तरह बीजेपी नेताओं का 11 सीटें जीतने का दावा है। देखने वाली बात होगी इंडिया टुडे ग्रुप का ये सर्वे कितना सटीक साबित होता है। रायपुर से सुमी राजप्पन और अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।